दोस्तों, किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 14 साल की उम्र के बाद इसके होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। किडनी हमारे शरीर का मेन ऑर्गन होता है, जिसमें एक जाली जैसा होता है जो खून को फिल्टर करने का काम करता है, और इस प्रक्रिया में जो बेकार पदार्थ बचता है उसे किडनी पेशाब के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इंसान का पेशाब कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, और जब इसमें से कोई बढ़ता है तो वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। और ये 5 तरह का होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड और सिस्टाइन स्टोन। लेकिन ज्यादातर लोगों में कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन की ही प्रॉब्लम होती है। इसके होने की सबसे बड़ी वजह होती है डिहाइड्रेशन। आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप दिन भर में 3 से 4 लीटर से भी कम पानी पीते हैं तो आपको कभी भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मूत्राशय की नली में मूत्र का बहाव भी कम होने लगता है, और जिसकी वजह से पेशाब में मौजूद मिनरल्स आपस में मिलकर पत्थर का रूप ले लेते हैं। और इसका पता तब चलता है जब ये गुर्दा और मूत्राशय की नली में फंस जाता है और चुभने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पेट के साइड के हिस्से में असहनीय दर्द और घबराहट का एहसास होता है, और यहाँ तक कि कभी कभी पेशाब में खून भी देखा जा सकता है। इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। खासकर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में दवा और नुस्खे के साथ साथ खान पान और परहेज का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो दवा के असर को बेअसर कर देते हैं और जिसकी वजह से पथरी का साइज इतना ज्यादा हो जाता है कि सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। इसलिए आज हम जानेंगे गुर्दे की पथरी में किए जाने वाले कुछ सबसे असरदार नुस्खे और परहेज के बारे में। शुरू करते हैं परहेज से। परहेज का नाम ही सुनके लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परहेज का सही मतलब अपने डाइट पे कंट्रोल करना होता है, और जो चीजें ज्यादा नुकसान पहुंचाती है सिर्फ उससे परहेज करना होता है। ज्यादातर किडनी स्टोन शरीर में ऑक्सीलेट, फॉस्फेट या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होती है, इसलिए ऐसे खाने जिनमें सोडियम, प्रोटीन, ऑक्सीलेट और फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो उसका कम से कम ही सेवन करना चाहिए। प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन यानी जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि बीफ, चिकन, अंडा, मीट और मछली। एनिमल प्रोटीन में प्यूरिन और एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है जो मूत्र में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, इसलिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में मांस, मछली और अंडे का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए या कुछ दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में कुल्थी की दाल सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। नंबर 2, ऑक्सीलेट और फॉस्फेट रिच फूड। ये दोनों गुर्दे की पथरी को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, इसलिए जिन खाने में ऑक्सीलेट और फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो उसका कम से कम ही सेवन करना चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चाय, कॉफी, शराब, कोला, चुकंदर, तले हुए आलू, भिंडी, बैंगन, डार्क चॉकलेट, पालक, टमाटर के बीज, सोयाबीन, चूना, मूंगफली, मैदे से बनी चीजें, जंक फूड, बहुत ज्यादा चीनी या बहुत ज्यादा नमक से बनी चीजें कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि टमाटर को उसका बीज निकालकर थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखने में ज्यादा जरूर लग रहे हैं, लेकिन इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम वैसे भी अपनी डेली लाइफ में कम से कम ही इस्तेमाल करते हैं, बस मैंने आपकी सेफ्टी और जानकारी के लिए इसे बता दिया है। और अगर आप गलती से कभी इनमें से कुछ भी खा लेते हैं तो साथ में आपको दूध या दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग किडनी स्टोन में दूध पीने से मना कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, इसलिए गुर्दे में खून फिल्टर होने के दौरान कैल्शियम ऑक्सीलेट से बाइंडिंग करके ऑक्सीलेट को पेशाब में जाने से रोकता है और उसे अपने साथ खून के बहाव में ले जाता है। इसलिए किडनी स्टोन वाले लोगों को दिन भर में कम से कम एक बार दूध या दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नींबू का रस, संतरे का रस, अनार का रस और मूली का रस भी गुर्दे की पथरी में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इनमें सिट्रेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये यूरिन में पीएच लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि पथरी को तोड़ने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा पत्थरजट्टा भी किडनी स्टोन में बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। ये इकलौता ऐसा नुस्खा है जो दूसरे नुस्खे के मुकाबले किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा तेजी से असर दिखाता है। इसके इस्तेमाल के लिए 2-3 पत्थरजट्टे के पत्ते की चटनी या जूस बनाकर लिया जा सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पत्थरजट्टे के 2-3 पत्ते को 1 ग्लास पानी में डालकर उसे तब तक उबालें जब पानी 1/4 हिस्सा ही रह जाए, और तब
इसका इस्तेमाल सुबह और शाम खाली पेट किया जा सकता है। और अगर ये पत्ता आपको ना मिले तो होम्योपैथी की एक दवा आती है जिसका नाम है बर्बरिस वल्गरी। इस दवा की 15 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ खाने से पहले पूरे दिन में 3 बार लिया जा सकता है, लेकिन इस दवा को कम से कम 2 महीना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब पथरी निकल जाए तो दोबारा पथरी की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए होम्योपैथी की ही एक दूसरी दवा आती है जिसका नाम है चाइना 1000। इस दवा की 2 बूंद सीधे जुबान पे दिन में 3 बार डालनी चाहिए। इस दवा का कोर्स सिर्फ 1 दिन का ही होता है, इसलिए इसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़हल के फूलों का पाउडर भी गुर्दे की पथरी और पित्ताशय के पथरी में बहुत ही तेजी से असर दिखाता है। इसके लिए 1 छोटा चम्मच गुड़हल का पाउडर 1 ग्लास पानी के साथ रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है और गर्भवती महिलाओं को गुड़हल के फूलों के पाउडर का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। तो बस ऊपर बताई सारी बातों को ठीक से फॉलो कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।